आज हम GFR का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, जिसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन बैरियर भी कहते हैं, ये एक ऐसा बैरियर होता है जिसको सॉल्यूट और फ्लूइड मॉलिक्यूल को ज़रूर क्रॉस करना पड़ता है जब इनको वुमन कैप्सूल में आना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनकी पहले इनके डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर हम इनके नोट्स बनाएंगे। तो ये आपको नजर आएगा ग्लोमेरुलस, जिसके ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये आफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है। हम एक सेक्शन काट के देख रहे हैं कि हम फिल्ट्रेशन बैरियर को समझने के लिए, तो एक सेक्शन काट के देखा। तो एक सेक्शन में आपको नजर आ रहा होगा कि तीन रुकावटें ऐसी हैं जिनको जरूर क्रॉस करना पड़ेगा जब इनको वुमन कैप्सूल में आना पड़ेगा। तो ये रुकावटें कौन सी है? सबसे पहली बात, ग्लोमेरुलस एक बाल ऑफ कैपिलरी है, और जो कैपिलरीज होती है ये सिंपल एंडोथेलियल सेल से लाइन होती है। तो जो पहला जो बैरियर होगा वो एंडोथीलियम होगी। क्या होगी? पहले एंडोथीलियम होगी। और जब एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो पहला हो गया एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, दूसरा इन्हीं सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा होगा कि जो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हो गए, एपिथीलियल सेल्स हो गए, उनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पोडोसाइट। ये पोडोसाइट के बड़े बड़े क्या होते हैं? फूड प्रोसेस होते हैं। आपको नजर आ रहा है कि फूड प्रोसेस, और दो फूड प्रोसेस के दरमियान आप एडजेसेंट क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ पोर्स हो गए, इनको क्या बोलेंगे? स्लिट पोर्स। तो फाइनली ये तीन फिल्ट्रेशन बैरियर हो गया, पहला एपिथीलियम वाला जो पोडोसाइट से मिलकर बनेगा, दूसरा होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा होगा एंडोथीलियम जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फेनेस्ट्रेशन नजर आ रही होगी। ओके, तो ये तो हो गया थोड़ा सा फिल्ट्रेशन बैरियर, इनके बारे में चंद बातें हम लिख लेते हैं, वो हम इस पर नोट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम स्टार्ट करिए फिल्ट्रेशन बैरियर, जो तीन चीज़ों से मिलकर बना था। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं फिल्ट्रेशन बैरियर। तो फिल्ट्रेशन बैरियर तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी होगी? जो पहली जो चीज़ होगी वो होगी कैपिलरी एंडोथीलियम। दूसरी चीज़ होगी वो इन्हीं एंडोथीलियल सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो क्या लिखे गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एंडोथीलियम। और तीसरा चीज़ होगी वो होगा कि फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट। तो इन तीन चीज़ों की वजह से बनता है फिल्ट्रेशन बैरियर। हमने वन बाय वन इनको पढ़ना है। तो पहले जो हम स्टार्ट करें वो है फिल्ट्रेशन बैरियर का, वो है कैपिलरी एंडोथीलियम। तो क्या हम देखें कैपिलरी एंडोथीलियम की, कैपिलरी एंडोथीलियम, जो कैपिलरी एंडोथीलियम होगी वो उसके पास मल्टीपल पोर्स हो गए, मल्टीपल फेनेस्ट्रेशन होगी। तो एंडोथीलियम के पास क्या होगी? मल्टीपल पोर्स हो गए, उन मल्टीपल पोर्स को क्या बोलेंगे? फेनेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं। अगली बात, जो जो पोर्स होते हैं वो फेनेस्ट्रेशन होती हैं, उनका साइज क्या होता है? उनका जो साइज होता है हम कह सकते हैं कि वो होगी 7 या फिर 9 एंगस्ट्रॉम की, डाल देते हैं हम 9 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे डिग्री हम जी 9 एंगस्ट्रॉम की, यानी इन पोर्स साइज का या फेनेस्ट्रेशन का जो साइज होता है वो 9 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन ये फेनेस्ट्रेशन, इनके लिवर के अंदर भी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है, तो इन फेनेस्ट्रेशन का साइज लिवर की कैपिलरी से थोड़ा छोटा होता है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉलर देन दैट ऑफ लीवर। अब जाहिर है कि अब फेनेस्ट्रेशन यहाँ पे पोर्स हैं, तो इन पोर्स से कौन कौन से मॉलिक्यूल आ सकते हैं? इन पोर्स से वही सॉल्यूट मॉलिक्यूल, फ्लूइड मॉलिक्यूल आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो सॉल्यूट फ्लूइड मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इजीली क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, इनके सेल की सरफेस के ऊपर स्पेशलाइज ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो इनके सरफेस के ऊपर क्या होगी? स्पेशलाइज ग्लाइकोप्रोटीन होगी। वो ग्लाइकोप्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है नेगेटिवली चार्ज होती है। कौन सी होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है। ये नेगेटिवली चार्ज ये प्लाज्मा प्रोटीन की फिल्ट्रेशन को इम्पीड करेगी, इनकी रुकावट डालेगी, इम्पीड फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अब देख सकते हैं कि जो एल्ब्यूमिन का साइज होता है, नॉर्मल एल्ब्यूमिन का वो होता है 7 एंगस्ट्रॉम। एल्ब्यूमिन का जो साइज होता है वो होता है 7 एंगस्ट्रॉम, लेकिन जो पोर्स का जो साइज है, पोर्स का उनका साइज है 9 एंगस्ट्रॉम। इसकी वजह से एल्ब्यूमिन आराम से इसको पास कर सकती है। लेकिन वाई एल्ब्यूमिन डजेंट अपीयर इन यूरिन? क्योंकि वो यूरिन में इसलिए नहीं आती क्योंकि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल की वजह से वो रिपेल करके नहीं आ सकती। तो इट डजेंट फिल्टर ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज। तो फाइनली हम यानी फाइनली एल्ब्यूमिन इसमें से पास नहीं कर सकती। मैंने पोर साइज थोड़ा सा उलट लिख दिया था,
7 नैनोमीटर था और 9 नैनोमीटर था। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स थे इनके दो फंक्शन होते हैं। तो कितने फंक्शन हो के दो, पहला फंक्शन हो गया फिल्ट्रेशन बैरियर को बनाना, दूसरा फंक्शन होता है कुछ सब्सटेंस की सिक्रेशन करना। कौन से सब्सटेंस हो गए देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन होगा वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेशन बैरियर, फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेशन बैरियर। और जो दूसरा मेन जो फंक्शन होगा वो होगा कुछ सिक्रेशन का, यानी सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाना। इसके अलावा और किसको बनाना, एंडोथेलिन को। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है ये होती है वेजो डायलेटर, जो एंडोथेलियन होती है एंडोथेलिन वो होती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। और ये दोनों कंपाउंड्स रीनल ब्लड फ्लो को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, रेगुलेट RBF एंड GFR। ये तो हो गया एंडोथेलियल सेल्स। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वो होगा क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। तो अगली हड्डी आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एंडोथेलियल सेल्स की वो भी पोरस होगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस होगी। तो उसको लिख लेते हैं, पहले जो प्रॉपर्टी होगी वो पोरस होगी, उसमें पोर्स होगी, और उसके अलावा यहाँ पे लार्ज स्पेसेस भी होगी। उन लार्ज स्पेसेस से वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल आराम से फिल्टर हो सकते हैं, तो H2 सॉल्यूट मॉलिक्यूल फिल्टर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होती हैं, वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, के नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। कोलेजन टाइप 4 होगा, और क्या होगा, लैमिनिन होगा, फाइब्रोनेक्टिन होगा। ये दोनों ग्लाइको प्रोटीन है, लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन। कुछ प्रोटीओग्लाइकॉन्स भी हो गए, उनमें कौन कौन से हो गए प्रोटीओग्लाइकॉन्स में, एग्रीन प्लस और होगा पर्लिकेन। यानी कोलेजन, ग्लाइको प्रोटीन और प्रोटीओग्लाइकेन, ये तीनों कहाँ पे होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में होते हैं। कोलेजन किस टाइप का होगा, कोलेजन टाइप 4 होगा। अगर कोलेजन टाइप 4 ना हो तो फिर ये फिल्ट्रेशन सही तरह नहीं हो सकती। इस कंडीशन को बोलते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम, वो हम देख लेंगे इसके बाद। चलो इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके फंक्शन क्या होगा, इसके फंक्शन भी लिखते थे। जो इसका पहला फंक्शन होगा वंस अगेन वही है कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या होगे, उनको सेपरेट नहीं होने देगा, यानी प्रिवेंट्स फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीओग्लाइकॉन के नेगेटिव चार्ज से रिपेल खा जाएगा। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो चार्ज सिलेक्टिव बैरियर है, चार्ज सिलेक्टिव बैरियर का मतलब ये केटाइंस को तो पास करने देगी लेकिन एनाइंस को पास करने नहीं देगी, तो हम उसको बोल सकते हैं चार्ज सिलेक्टिव बैरियर। तो ये तो हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब लास्ट है, उसके नाम है पोडोसाइट। पोडोसाइट के कौन से प्रोसेस हो गए, फूड प्रोसेस हो गए। तो कौन सी हो गई, फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट। जो पोडोसाइट के फूड प्रोसेस होते हैं, ये पोडोसाइट होते क्या हैं, पोडोसाइट एक एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस की आउटर सरफेस को सराउंड कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स दैट सराउंड आउटर सरफेस ऑफ ग्लोमेरुलस आउटर सर्फेस ग्लोमेरुलस को सराउंड करते हैं। उनके स्पेशलाइज्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, हम फूड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फूड प्रोसेस होते हैं, इनके स्पेशलाइज्ड फूड प्रोसेस होते हैं। वो फूड प्रोसेस कंप्लीटली सराउंड करता होता है किसको, कैपिलरीज को। तो कंप्लीटली इन सर्कल ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड गैप्स हो गए दो एडजेसेंट फूड प्रोसेस के दरमियान, क्योंकि एक पोडोसाइट होगा, एक पोडोसाइट का फूड प्रोसेस होगा, दूसरे पोडोसाइट का फूड प्रोसेस होगा, इनके दरमियान एक स्पेशलाइज्ड गैप होगा। उस गैप को क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलेंगे उसको, हम फिल्ट्रेशन स्लिट। तो ये क्या होगा, फिल्ट्रेशन स्लिट होगा। और इस फिल्ट्रेशन स्लिट को एक क्या करेगा, स्लिट डायफ्राम कवर करेगा। इसको ऊपर से क्या करेगा, स्लिट डायफ्राम कवर करेगा। उस स्लिट डायफ्राम के अंदर क्या होगा, कुछ छोटे छोटे सुराख होंगे जो असल में फिल्ट्रेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लिट डायफ्राम, उस स्लिट डायफ्राम में मल्टीपल पोर्स हो गए, वो मल्टीपल पोर्स का साइज क्या होगा, 40 by 140 एंगस्ट्रॉम, यानी लेंथ और विड्थ बता रहे हैं, इनका ओवरऑल एरिया बता रहे हैं। तो ये तो हो गया पोर्स, पोर्स किसके अंदर थे, स्लिट डायफ्राम के अंदर थे। और स्लिट डायफ्राम के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होगी, वंस अगेन ये प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होगी और भी ये भी सिलेक्टिव बैरियर का काम करेगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन सिलेक्टिव बैरियर है साइज सिलेक्टिव बैरियर, क्या है, साइज
सिलेक्टिव बैरियर, ऊपर वाले कौन, ऊपर वाला था चार्ज सिलेक्टिव बैरियर, यानी वो सेपरेट कर रहे थे, वो फिल्ट्रेशन को स्टिमुलेट करा रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लेकिन ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रही है या फिर फिल्ट्रेशन को स्पेसिफाई कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो ये साइज सिलेक्टिव बैरियर है, और जो बेसल मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, चार्ज सेलेक्टिव बैरियर, जबकि जो एंडोथेलियल सेल्स थे वो चार्ज और साइज दोनों के ऊपर डिपेंड करते थे। तो स्पेशलाइज प्रोटीन थी किसके अंदर, फिल्ट्रेशन सिलेट के अंदर, उस प्रोटीन को सॉरी फिल्ट्रेशन सिलेट नहीं बल्कि सिलेट डायफ्राम के अंदर होती है। उस प्रोटीन के क्या क्या नाम है, इनके नाम देख लेते हैं, नेफ्रिन, नेफ्रिन जैसे NPHS type 1 बोलते हैं, और क्या होगी NEPH1, और कुछ प्रोटीन होगी NPHS2। ये प्रोटीन होती है, ये फिसले डायाफ्राम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, उसके फंक्शन को भी प्रोमोट करते हैं, इसके फंक्शन इन्हीं प्रोटीन की वजह से होते हैं। अगर ये प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाए तो फिर ये बेसमेंट मेब्रेन सॉरी ये स्लिट डायफ्राम की ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, जिसकी वजह से बड़े बड़े मॉलिक्यूल यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटीन यूरिया, और जिस कंडीशन के अंदर ये में म्यूटेशन आती है उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर सिंपल हम उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल सकते हैं। तो किसके अंदर होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर यहाँ पर इनके म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन हो जाए तो कोलेजन, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर कोलेजन type 4 में ज़्यादा म्यूटेशन आ जाए तो इसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम होगा, एलपोर्ट सिंड्रोम होगा, कौन सा सिंड्रोम होगा, एलपोर्ट सिंड्रोम होगा। तो ये तो हो गया, थोड़ा बहुत क्लिनिकल्स वगैरह भी हो गए इनके साथ ही। तो अब हम इनके बारे में कुछ जनरल बातें पढ़ लेते हैं कि फिल्टरेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, यानी जो परमीएबिलिटी या फिर फिल्टरेबिलिटी जो होगी उसका हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे। फिल्टरेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिवली चार्ज, यानी अगर जितना चार्ज ज़्यादा होगा पॉजिटिवली चार्ज उतना ज़्यादा फिल्टरेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज मल्टीप्लाई बाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम स्पेसिफिक बात करें, अगर हम न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करें, न्यूट्रल की जिनमें चार्ज का फैक्टर नहीं होता, न्यूट्रल के लिए बात करें, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो फिल्टरेबिलिटी होती है, हमें परमिएबिलिटी होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, साइज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, यानी जितना ज़्यादा साइज ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा परमेबिलिटी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे जूम कर लूँ मैं, यहाँ पर वाटर, वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 18 है, फिर मैं नीचे जा रहा हूँ 23, 180, 550, तो देखना फिल्टरेबिलिटी क्या हो रही, कम हो रही है इनकी, तकरीबन 111 इनका मतलब प्लाज्मा से बराबर, लेकिन इसकी देखना मायोग्लोबिन की और एल्ब्यूमिन की, इनकी 0.75 हो गया, इनकी 0.005 हो गया, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो फिल्टरेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये तो बात होगी इसकी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इस ग्राफ को, इस ग्राफ में देखिएगा कि अगर मैंने जो साइज है, साइज ये मेरा न्यूट्रल डेक्सट्रिन है, डेक्सट्रिन एक स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, किसके पॉलीमर होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, जो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जो इनको हम केटाइन्स भी बना सकते हैं, इनको हम एनाइन्स भी बना सकते हैं, इनके साइज को भी क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ये पहचानने के लिए कि परमेबिलिटी के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखिएगा कि इस डायग्राम में पहले यहाँ पर दिखा दे, तो जो वाई एक्स एक्सिस पे है वो है मॉलिक्यूलर रेडियस, और वाई एक्सिस पे क्या है, फिल्टरेबिलिटी। दिमाग में आपको नजर आ रहा होगा न्यूट्रल डेक्सट्रॉन जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो फिर इसका मतलब जो सिंपल एक फार्मूला अप्लाई होगा वो फार्मूला क्या होगा, परमेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी जितना ज़्यादा साइज ज़्यादा होगा, साइज देखो वहाँ पे बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो फिर फिल्टरेबिलिटी देखना कम हो रही है। तो जैसे जैसे परमेबिलिटी, जैसे 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 साइज बढ़ रहा है वैसे परमेबिलिटी या फिल्टरेबिलिटी कम हो रही है। दूसरी तरफ देखिएगा यहाँ पे पॉलीकेटाइनिक डेक्सट्रॉन है और यहाँ पे पॉलीएनायनिक, जो पॉलीकेटाइनिक है यानी यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा साइज को अगर सिमिलर रखे, तो अगर यहाँ पे देखो साइज सिमिलर है तो, लेकिन यहाँ पे परमेबिलिटी को देखिएगा, अगर साइज सिमिलर है तो यहाँ पे देखिएगा परमेबिलिटी इतने साइज के ऊपर, 34 वाले साइज के ऊपर देखना जो केटाइनिक वाला है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन एनायनिक वाले की परमेबिलिटी उससे ज़्यादा बहुत कम हो गई है। ओके यानी अनायनिक वाले की तो उस पर 0 है, न्यूट्रल वाले की देखना यहाँ पे 0.2 और इसकी है 0.4। तो सिंपल ये कह सकते हैं कि इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करें, इस फार्मूले को न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए, तो ये हो गया। तो अगर कोई अगर मॉलिक्यूलर साइज क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर साइज सेम है, सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो फिल्टरेबिलिटी है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज के लिए क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिवली चार्ज के लिए क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके तो ये हो गया हमारा बेसिक फिल्टरेबिलिटी हो गया, इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स हो गए उनको हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।